जहां इसराइल हमास के बीच सीज फायर वार्ता बेहद नाजुक पलों से गुजर रही है, वहीं दोनों के बीच गाजा में तीखी जंग भी लगातार जारी है। इन सब के बीच बीते 18 अगस्त 2024 को इजरायली राजधानी तेल अविव फिर से बड़े धमाके से दहल उठी। इस ब्लास्ट में एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। इसराइल के सबसे महफूज शहर में हुए इस धमाके से पूरे इसराइल में हड़कंप मच गया। इजरायली पुलिस और सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए छानबीन और तलाशी शुरू कर दी। खास बात है कि यह धमाका ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री गाजा युद्ध के बाद 9वीं बार इसराइल पहुंचे। हालांकि अब तेल अवीव पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ले ली गई है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन की मिलिट्री विंग अल कुदस ब्रिगेड ने 18 अगस्त 2024 को तेल अवीव में शहीद ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। दोनों गुटों ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बताया कि 1948 के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में शहादत अभियान तब तक सबसे आगे रहेंगे जब तक इसराइल के नरसंहार, नागरिकों का विस्थापन और हत्याएं जारी रहेंगी। फिलिस्तीनी प्रतिरोध की ओर से सालों से इस तरह के शहीदी अभियानों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। खास बात है कि दोनों प्रतिरोध गुटों का हालिया बयान 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद आया है। हालांकि ईरान में हानिया की हत्या के आरोपों को ना तो इसराइल ने कभी माना और ना ही इनकार किया है। इजरायली मीडिया की ओर से शेयर किए गए वीडियो फुटेज में कथित हमलावर को विस्फोट से ठीक पहले एक बड़ा बैग पहने हुए सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है। सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा कि एक शख्स विस्फोटकों से भरा बैग ले जा रहा था, लेकिन विस्फोटक को घनी आबादी ले जाने से पहले इसमें विस्फोट हो गया। बता दें कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें ब्लास्ट होते हुए कई लोग डर जाते हैं और बचने के लिए इधर उधर भागते चिल्लाते दिखते हैं। बता दें कि हमास का खुलासा इजरायली पुलिस और शिन बैंड के बयानों के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि तेल अवीव में विस्फोट फिलिस्तीनी प्रतिरोध की ओर से किया गया एक हमला था जिसमें एक विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किया गया था। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक शिन बैंड अभी भी उस प्रतिरोध सेनानी की पहचान करने की कोशिश कर रहा था जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इजरायली कान अखबार ने दावा किया कि ऑपरेटिव वेस्ट बैंक के नबलस से था, जबकि इंटेल टाइम्स ने इजरायली चिंताओं की सूचना दी कि फाइटर अपने दम पर काम नहीं कर रहा था। इस बीच रेडिएट अहरनोत ने कहा कि इजरायल को वेस्ट बैंक के युद्ध में बदलने का डर सताने लगा है। हमास मजबूत हमलों को अंजाम देने के लिए दसियों ब्रिगेड की भर्ती और फंडिंग कर रहा है, साथ ही विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल और रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। हमास के हमले में तेल अवीव में एक शक्तिशाली विस्फोट के दौरान एक शख्स की जान चली गई थी। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट ट्रक पर रखे विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ था। ये घटना जो शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई जिसने पुलिस को बड़ी जांच के लिए जोर डाला है, जो हमले के पीछे संभावित मकसद की तलाश कर रहा है।